दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप रीडिंग के लिए बुक निकालते हैं तो आपको नींद आने लगती है और आप बोर होने लगते हैं? वेल, इफ यस, देन मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बिकॉज टुडे आई विल टेल यू दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग एंड हाउ यू कैन डिवेलप इंटरेस्ट फॉर रीडिंग, हाउ यू कैन डिवेलप रीडिंग हैबिट। लेकिन उससे पहले, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज गाइज, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। सो वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल द हैरी सर एकेडमी। आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिक। सो गाइज, नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स डाइव इन टुडेज टॉपिक। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रीडिंग एक एसेंशियल पार्ट है हमारी इंग्लिश लर्निंग जर्नी का। रीडिंग से हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होती है। तो अब मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसे बेनिफिट शेयर करने वाली हूँ जो आपको मिलते हैं रीडिंग करके। द फर्स्ट बेनिफिट इज प्रोनंसिएशन। गाइज, जब आप इंग्लिश में बुक्स रीड करते हैं तो आपका प्रोनंसिएशन इम्प्रूव होता है। बट हाउ? वेन एवर वी रीड अ बुक इन इंग्लिश, दैट टाइम वी कम अक्रॉस लॉट्स ऑफ वर्ड्स विच वी डू नॉट नो हाउ टू प्रोनाउंस। हमें बहुत सारे रीडिंग के समय ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं उन्हें कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। सो इन दिस कंडीशन यू विल डू टू थिंग्स, ईदर यू विल स्किप दैट वर्ड और यू विल गो टू गूगल एंड सर्च इट्स प्रोनंसिएशन। एंड इन मोस्ट ऑफ द टाइम, इफ यू रियली वॉन्ट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, देन यू विल डायरेक्टली गो टू गूगल एंड सर्च इट्स प्रोनंसिएशन। एंड गाइज, इफ यू रियली वॉन्ट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, देन यू विल चूज सेकेंड ऑप्शन, यू विल सर्च इट्स मीनिंग ऑन गूगल। एंड गाइज, वेन वी सर्च ऑन गूगल द प्रोनंसिएशन, दैट टाइम वी गेट द करेक्ट प्रोनंसिएशन ऑफ दैट वर्ड। एंड वेन वी कंटिन्यू रीडिंग, देन मैनी टाइम्स वी कम अक्रॉस दैट वर्ड। ओके, जब हम रीडिंग करते हैं तो रीडिंग के दौरान हमें वो वर्ड कई बारी मिलता है। दैट टाइम वी फोर्स आवर माइंड टू रिकॉल द करेक्ट प्रोनंसिएशन ऑफ दैट वर्ड एंड वी ट्राई टू प्रोनाउंस दैट वर्ड करेक्टली। एंड बाई दिस, अगेन एंड अगेन, वेन एवर वी फाइंड दैट वर्ड ड्यूरिंग रीडिंग, वी ट्राई टू प्रोनाउंस दैट वर्ड करेक्टली। एंड बाई डूइंग दिस, अवर प्रोनंसिएशन ऑफ दोज वर्ड्स इम्प्रूव। एंड गाइज, इससे आपकी फ्लुएंसी भी इम्प्रूव होती है। सेकेंड बेनिफिट इज हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है। गाइज, वेन एवर वी रीड, वी फाइंड लॉट्स ऑफ न्यू वर्ड्स एंड वी कम टू नो दैट वट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट वर्ड एंड हाउ वी कैन यूज दोज वर्ड्स इन आर डे टू डे लाइफ कॉन्वर्सेशन, हाउ वी कैन मेक सेंटेंस ऑन दैम। सो गाइज, रीडिंग से हमारी वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है। और मैं अपने प्रीवियस वीडियोज में आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, मैं आपको डेमो दे चुकी हूँ कि कैसे रीडिंग के दौरान हमें नई नई वर्ड्स मिलते हैं और कैसे हम उन वर्ड्स के ऊपर एग्जाम्पल बना सकते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड बेनिफिट। गाइज, थर्ड बेनिफिट है यहाँ पर, आपको यहाँ पर जब आप रीडिंग करते हैं तो आपको बहुत सारे ईडियम्स और फ्रेज मिलते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, ईडियम्स और फ्रेज की हेल्प से हमारी स्पीकिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। सो गाइज, जब हम रीडिंग करते हैं और हमें ईडियम्स मिलते हैं, दैट टाइम वी कम टू नो दैट वट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट ईडियम एंड हाउ वी कैन यूज़ दैट ईडियम इन अ सेंटेंस, हाउ इन विच कॉन्टेक्स्ट वी कैन यूज़ दैट ईडियम एंड हाउ वी कैन मेक अ सेंटेंस ऑन इट एंड हाउ वी कैन यूज़ दैट ईडियम इन अ डे टू डे लाइफ। सो थर्ड बेनिफिट है यहाँ पर, आपको ईडियम्स और फ्रेजेस सीखने को मिलते हैं। सो गाइज, द थर्ड बेनिफिट इज़ यू कम टू नो दैट हाउ सेंटेंसेज आर फॉर्म। आपको पता चलता है रीडिंग के दौरान कि सेंटेंस किस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, कैसे उन्हें हम फॉर्म करते हैं। सो गाइज, यू इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर, देन यू मस्ट रीड अ बुक। एंड द फोर्थ बेनिफिट इज योर फ्लुएंसी इम्प्रूव्स एंड यू स्पीक फ्लॉलेसली। इट्स ऑब्वियस दैट इफ यू विल हैव लॉट्स ऑफ वोकैबुलरी एंड यू विल नो हाउ टू प्रोनाउंस दोज वर्ड्स करेक्टली, हाउ टू यूज दैम इन कॉन्वर्सेशन, देन इट्स ऑब्वियस यू विल स्पीक फ्लॉलेसली एंड बाई रीडिंग बुक्स योर फ्लुएंसी विल ऑल्सो इम्प्रूव। सो गाइज, ये थे यहाँ पर 5 रीडिंग के बेनिफिट्स। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हमें बेनिफिट्स मालूम होने के बावजूद भी हम डेली रीडिंग नहीं कर पाते हैं, हम रीडिंग के लिए वो इंटरेस्ट डिवेलप नहीं कर पाते हैं। हम कुछ दिन रीडिंग करते हैं बट आफ्टर सम टाइम वी स्टार्टेड टू गेट बोर्ड। सो इस केस में क्या किया जाए? डोंट वरी, नाउ आई एम गोना शेयर विद यू दैट हाउ यू कैन डिवेलप रीडिंग इंटरेस्ट और हाउ यू कैन डिवेलप रीडिंग हैबिट। सो गाइज, द टिप नंबर 1 इज, स्टार्टिंग में आप लोग डेली केवल 15 मिनट के लिए रीडिंग कीजिए। यस, यू हैड इट राइट, जस्ट फॉर 15 मिनट्स इन द स्टार्टिंग यू हैव टू रीड अ इंग्लिश बुक फॉर 15 मिनट्स ओनली। बिकॉज गाइज, इफ आई विल टेल यू दैट यू हैव टू रीड अ बुक डेली फॉर 1 to 2 आवर,
देन एंड यू आर ऑलरेडी नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग, देन यू विल टेक इट लाइक अ बर्डन इन द स्टार्टिंग. मे बी आप दो तीन दिन पढ़ लें एक दो घंटे के लिए, बट आफ्टर सम टाइम यू विल फील इट लाइक अ बर्डन. यू विल थिंक दैट इट्स अ बर्डन फॉर यू एंड यू विल क्विट रीडिंग बुक्स. सो गाइज, द मेन टारगेट हेयर इज टू डिवेलप दैट इंटरेस्ट फॉर रीडिंग. फर्स्ट हमें रीडिंग के लिए इंटरेस्ट डिवेलप करना है, एंड फॉर दैट यू हैव टू रीड ओनली फॉर 15 मिनट्स, जस्ट 15 मिनट्स. टिप नंबर टू इज सेलेक्ट अ बुक अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू योर इंग्लिश लेवल. गाइज, अक्सर हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग देखा देखी में कोई टफ बुक खरीद लेते हैं एंड देन वी ट्राई टू रीड इट एंड आफ्टर सम टाइम वी लूज आवर इंटरेस्ट इन इट एंड वी डू नॉट कंटिन्यू रीडिंग दैट बुक. ओके, सो बिकॉज वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट बुक, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप कोई एक ऐसी बुक सेलेक्ट करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो. लाइक आप स्टोरी बुक सेलेक्ट कर सकते हैं. सो गाइज, आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बुक सेलेक्ट कीजिए. स्टोरी बुक्स हो सकती है, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बुक सेलेक्ट कीजिए. गाइज, द टिप नंबर थ्री इज फाइंड अ प्लेस फॉर यू वेयर नोबडी डिस्ट्रैक्ट्स यू. आप एक पीसफुल जगह अपने लिए सेलेक्ट कीजिए रीडिंग के लिए. Because guys, if you are in a place where people are coming and going and where there's lots of sound, then these things will distract you and you will not be able to read that book. So it is very important that aap ek aisi jagah select kare reading ke liye jahan par aapko koi bhi distract na kare. So guys, agar aapko bhi reading boring lagti hai to aap zarur se ye tips follow kijiye and slowly you will see that you have started taking interest in reading and you have become a bookworm. So make sure to follow all of these tips. So guys, that's it for today. I hope aapko ye video pasand aaya, aapne is video se kuch seekha. If yes, then give it a like, subscribe to our channel and share this video with your friends and with your family members. So that's it for today. We will meet in next session. Till then, bye bye and keep learning.